उधर दिल्ली में बदमाशों का कहर लगातार जारी है। आए दिन बदमाश लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक तमाम अधिकारियों के साथ राजधानी की सड़कों पर रात में गश्त के लिए निकले, लेकिन बदमाशों में उनका कोई डर नहीं दिखा। एक तरफ अमूल्य पटनायक रात में गश्त कर रहे थे, तो वहीं बिंदापुर में इंदिरा कॉलोनी में बदमाशों ने 88 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। आज का जो जनरल गश्त है वो हमारा जनरल अलर्ट है और ये हम पीरियोडिकली करते हैं। आज हमने सब स्टाफ को कहा हुआ है अफसर अपने अपने एरिया में जाएं और चेकिंग वगैरह करें, ताकि तमाम स्टाफ जो है वो फर्दर जितने अलर्ट से ड्यूटी दे रहे थे उससे बढ़कर अलर्ट करें। तो दिल्ली पुलिस का बदमाशों में खौफ नहीं है और यही वजह है कि आए दिन बदमाश लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, जिससे सीधा सीधा पता चलता है कि किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और उनको पस्त करने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम। क्योंकि पुलिस कमिश्नर जहां एक तरफ गश्त करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ बिंदापुर में बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे थे। एक बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। तो क्या पुलिस बदमाशों पर लगाम लगाने में नाकाम है? भले ही पुलिस प्रशासन कितने ही दावे करे, लेकिन दिल्ली में अपराध का बढ़ता ग्राफ इस ओर इशारा करता है कि क्या पुलिस अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम है। तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी बेखौफ होकर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली में अब एक और मामला मर्डर का सामने आ गया, जहां बिंदापुर में एक बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ पुलिस कमिश्नर गश्त कर रहे थे ये मैसेज देने के लिए कि पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है, तो वहीं दूसरी तरफ बदमाश उन्हें चुनौती देते हुए वारदात को अंजाम दे रहे थे।